तो हम सभी देखते हैं कि यामोशी मास्टर जुनो से मिलने के लिए निकल चुका होता है। दूसरी तरफ क्योग्या और जोमान के सामने कागुरा और सोमस आ चुके होते हैं और सोमस को ये पता चलता है कि जोमान ने ही अनाथस को खत्म किया होता है, जिसके ऊपर सोमस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, क्या तुमने अनाथस को खत्म किया? जोमान, तुम इसके लिए बहुत पछताने वाले हो। और ये कहने के बाद सोमस कुछ कदम आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में कागुरा आ जाता है और वो कहता है, जरा शांत हो जाओ सोमस, तुम्हें बराबरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस समय इसे मैं संभालता हूँ। जो सुन के सोमस कहता है, ए कागुरा, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? जोमान, मैं तुम्हें। और तभी कागुरा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो सोमस, तुम इस समय इससे नहीं लड़ सकते, फिलहाल इसे मुझे देखने दो। और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं इसे संभाल लूंगा और तुम्हें बराबरी करने का मौका जरूर मिलेगा सोमस, तो फिलहाल के लिए तुम पीछे हटो। और हम देखते कि सोमस पीछे हट जाता है, लेकिन सोमस अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी जोमान कहता है, क्या भला आखिर तुम अब कौन हो? जिसपे कागुरा कहता है, मेरा नाम कागुरा है और मैं लॉर्ड गोरस का गार्डियन हूँ, लेकिन तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए मौत हूँ। ये कहने के बाद जोमान अचानक से अपना हमला कर देता है कागुरा के ऊपर, जिसे कागुरा डॉच कर लेता है, लेकिन उस हमले की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के कागुरा हंसने लगता है और वो कहता है, हाँ जैसा कि मैंने सोचा था और जैसा कि मैंने अभी तक सुना था, इस यूनिवर्स के सयन में कुछ अलग बात तो जरूर है, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम और क्या क्या कर सकते हो, तो चलो मुझे दिखाओ या फिर मेरे हाथों से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहने के बाद जोमान वापस से अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा कागुरा पे करता है, जिसे कागुरा डॉच कर लेता है और जोमान के ऊपर वो भी अपना एक हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन जोमान अपनी पावर अप करके उस हमले को डॉच कर लेता है। और ये देख के क्योगा कहता है, क्या आखिर ये कौन है? इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्ति है, लेकिन जोमान के पास भी अब काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, दोनों ही इस समय पे शक्तिशाली है, अभी के समय पे कुछ भी कहना मुश्किल है, क्या जोमान इसका सामना कर भी पाएगा? जिसके ऊपर तभी जोमान कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि भले तुम कोई भी हो, लेकिन मैं इस समय तुमसे उलझना नहीं चाहता, मैं जिनोसामा के उस चौथे बेटे सोमस को खत्म करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जोमान सीधा सोमस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में वापस से कागुरा आ जाता है और वो जोमान के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे जोमान डॉच कर लेता है। और कागुरा कहता है, नहीं नहीं, क्या तुमने मेरी बातों को नहीं सुना? इस समय तुम मेरा सामना करने वाले हो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस मल्टीवर्स के सयन के अंदर वो क्या बात है जो तुम लोगों ने जिनोसामा के दो बेटों को खत्म कर दिया है। और वैसे भी अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करी, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को अभी के अभी खत्म कर दूंगा। जो सुन के जोमान एकदम शांत हो जाता है और वो कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है और अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो, तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हम सेंस में कितनी शक्तियां हैं। ये कहने के बाद जोमान अपना पावर अप करने लगता है और तभी वो कागुरा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और कागुरा हंसता रहता है। और तभी हम सभी देखते सोमस को, जो कि कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके जैसा एक सयन अनाथस को आखिर कैसे खत्म कर सकता है? मुझे लगा था कि वो कोड़ा होगा, लेकिन नहीं, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पहले वो कोड़ा और फिर मैंने उस यामोशी का सामना किया, और अब ये न जाने तीसरा सयन जोमान कहां से आ चुका है। और पिताजी ने भी कहा था कि इस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग अब कोई कोको नाम का सयन है, तो आखिर ये सब चल क्या रहा है? इस मल्टीवर्स के अंदर और इन सयन्स के अंदर कुछ अलग बात है, लेकिन मैं इन सभी से अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा। यहाँ पर जोमान तो है, लेकिन आखिर वो कोड़ा कहाँ पर है? जिसके बाद हम सभी को एक अनजान जगह दिखाई जाती है,
जहाँ पर कोड़ा खड़ा होता है और कोड़ा एक बात को सोच रहा होता है और तभी कोड़ा मन ही मन कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि यह सब कुछ वैसा ही हो रहा है, और अगर ऐसा है तो मुझे भी अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब ज़्यादा इंतज़ार करने वाले हैं। जो कुछ भी हो रहा है उस हिसाब से बहुत ही जल्दी वो सब यहाँ पर आ सकते हैं, जिसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और ये कहने के बाद कोड़ा आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ज़ोमान को, जो कि अपने लगातार काफी सारे हमले कागुरा के ऊपर करता रहता है, लेकिन कागुरा उन हमलों को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी ज़ोमान अचानक से कागुरा के पीछे आके उसे एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे कागुरा डॉज कर लेता है और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है, जो देख के कागुरा कहता है, जितना मैंने सुना था तुम मेरी उम्मीदों पे खड़े उतर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या तुम और कुछ नहीं कर सकते, या मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और तभी ज़ोमान कहता है, बस तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद ज़ोमान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते कि सोमस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ज़ोमान की तरफ अपने काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन बीच में क्योगा आ जाता है और वो उन हमलों को वहां से हटा देता है। और क्योगा कहता है, हे तुम, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अगर तुम्हें किसी से लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ सकते हो, जो देख के सोमस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, आखिर तुम विद्यो की इतनी हिम्मत तुम मेरे जैसे गॉड के सामने बोल सको, और वो भी एक ओमनी ब्लड के सामने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद सोमस अपना पावर अप करने लगता है, लेकिन तभी कागुरा कहता है, एक मिनट सोमस, क्या तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें बराबरी का मौका मिलेगा, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं इस खेल से तंग आ चुका हूँ और मैं इन्हें खत्म करने वाला हूँ, तो तुम बस देखते जाओ। ये कहने के बाद हम देखते कागुरा भी अपनी पावर को अप कर लेता है। डरपोक, मैं कब से तुम्हारे इसी समय का इंतजार कर रहा था, तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लेजेंडरी सियंस आखिर कितने शक्तिशाली हैं, और मैं दूसरा लेजेंडरी सियन ज़ोमान हूँ, तुम मेरे नाम को याद रखने वाले हो। और तभी हम सभी कागुरा को देखते हैं, जो कि सिर्फ हंसता रहता है, जिसके बाद हम सभी को यामोशी का सीन दिखाया जाता है, जो कि मास्टर ज़ुनो के पैलेस में आगे बढ़ रहा होता है। और तभी यामोशी मन ही मन कहता है, क्योगा और ज़ोमान कैसे होंगे? क्या वो सही सलामत होंगे, या फिर वो सोमस वापस लौट चुका होगा? मुझे इस समय पे कोई भी आइडिया नहीं है, तो मुझे जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा, और अगर एक बार मुझे ज़िनोसामा का पता चल गया तो मैं ये सब कुछ होने से रोक सकता हूँ। ये कहने के बाद यामोशी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और तभी हम सभी मास्टर ज़ुनो के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर अकुमो पहले से मौजूद होता है। और तभी अकुमो कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, और कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सभी को ये मांगा ये स्टोरी पसंद आ रही है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। और साथ ही में अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है सो इस मांगा के ओरिजिनल क्रिएटर और राइटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी उन्हें भी जाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाना।